अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमने पेपलम कुर्ती तैयार की है शरारे के ऊपर। अप डाउन में है ये लेस जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है, तो हमने यहाँ पे लेस भी यूज़ की है। और ये जॉर्जेट का एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है जिसमें मल्टी कलर की कढ़ाई हुई हुई है। और नेकलाइन हमने इसका योक नेकलाइन बनाया है पोटली बटन के साथ। और अम्ब्रेला इसके अप डाउन स्लीव्स हैं। ऑल ओवर कुर्ती का लुक बहुत ही प्यारा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ही इजी वे में इसकी कटिंग और स्टिचिंग की गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको एकदम टेल वाला लुक नहीं दिया है, जब आप इसको पहनेंगे तो ये इस तरह से कुछ इसका लुक आ जाएगा। तो हम लाइनिंग पर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अपर बॉडी पार्ट निकालेंगे। मेजरमेंट स्क्रीन पर है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बाकी आप अपने नाप के अकॉर्डिंग इसको कट कर लें। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को इस तरह से रखा हुआ है। फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड है। तो पहले हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो 7 इंच मैंने शोल्डर लिया है, जो भी आपके बॉडी का मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप रख लें यहाँ पे। और चेस्ट है हमारी यहाँ पे 20, तो हमने 10 इंच पे निशान लगाया है उसका चौथा भाग। और इसकी जो लेंथ हमें रेडी चाहिए वो चाहिए 15 इंच, तो हम यहाँ पे एक 15 इंच पे मार्क करेंगे। और एक 16 इंच पे सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे लेंथ भी निकाल ली है। अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे, तो हमारी 19 इंच है, तो हम उसका भी चौथा भाग यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरह चेस्ट के निशान को कमर के निशान से मिला देंगे। और मार्जिन के लिए और एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए आप शेप दे लें, आप चाहें तो यहाँ पे इसका शेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट आर्म होल के लिए भी हमने गोलाई दे ली है। अब यहाँ से आधे से 1.25 इंच आप इसको इस तरह ऊपर की तरफ कर दें। नेकलाइन के लिए हमने 3 इंच विड्थ का मार्क कर लिया है शोल्डर डाउन करके। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह आप कमर की तरफ से अगर ऐसा कट करते हैं ऊंचा, तो वो आपका फ्रॉक लटकता नहीं है उससे। सेंटर में हमने मार्क कर लिया है। अब बैक वाले कपड़े को अलग कर देंगे और फ्रंट का आर्म होल निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे अपर बॉडी पार्ट की कटिंग हो गई है। फ्रंट और बैक हमने दोनों ही निकाल लिए हैं। ये शोल्डर हमने यहाँ से डाउन कर दिया। अब हम इसके फ्रॉक के घेरे की कटिंग करेंगे लोअर पार्ट की। तो यहाँ हमने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है, उसको हमने ये उल्टा करके पहले ही बिछा लिया है। अब हमें यहाँ इसका ट्रायंगल बना देना है, त्रिकोण। इस तरह हमने कपड़े को चौकोर से एक कोना उठा के इसका ट्रायंगल बना दिया है। बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी अपर बॉडी पार्ट को रख कर और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर कर भी इसको कट कर सकते हैं, या फिर आप इसका सर्कल भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये साड़ी हमारे 10 इंच की है, तो हम यहाँ पे रखेंगे। मैंने यहाँ पे 13 इंच रखा है, तो भी ये हमारा परफेक्ट बैठेगा। 12.5 भी आप इसको रख सकते हैं, और बाद में अगर आपका ये कम या ज़्यादा हो तो भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पेपलम की जो वो रखनी है लेंथ, वो हमें चाहिए 16 इंच। पूरी हमें रेडी 31 इंच की चाहिए, तो 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का लगाएंगे। तो हम 17 इंच पे यहाँ इस तरह सर्कल में पूरी मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए, पूरे हमने 17 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पे 12 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आप चाहें तो पूरा ही फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे टेल वाला लुक नहीं चाहिए, जो बिल्कुल टेल वाला आता है हमारा जब हम अप डाउन बनाते हैं। तो इस तरह हमने मार्किंग कर ली है। और यहाँ से कोने पे से हमें दोनों को बराबर ही रखना होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसको और भी लंबा कर सकते हैं पीछे वाले कपड़े को, लेकिन कोने हमें दोनों के बराबर ही रखने हैं। अब यहाँ से इसको अलग कर लेंगे, और इस तरह ये हमारा फ्रंट के लिए और बैक के लिए हो जाएगा। अब ये जो हमारा फ्रंट वाला है, इसको हम छोटा कट करेंगे जैसे हमने यहाँ मार्क किया था। इस तरह ये हमारा फ्रंट का
और ये बैक का इस तरह हमारी ये गोलाई आ गई है। यहाँ हमने दोनों ही फैब्रिक पे लाइनिंग लगा ली है। ऊपर का हमारा प्लेन जॉर्जेट है तो इसलिए हम इसमें यहाँ उसी बचे हुए कपड़े को यूज़ करेंगे जो हमारे फ्रॉक के घेरे में से बचा है। तो मैंने यहाँ योक पैटर्न का शेप कर लिया है तो मैं इस तरह यहाँ पे कपड़े को स्टिच करके लगाऊंगी। तो इस तरह हमें फोल्ड करना है और सिंपली यहाँ पे इसको स्टिच कर देना है। और ये पोटली बटन और लेस का हम यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने ये गला बना लिया है जिसकी विड्थ 16 इंच है और लेंथ भी 16 इंच है। सिंपल हमने यहाँ पे नेकलाइन तैयार कर लिया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कपड़ा भी चिपका लिया है। और ये देखिए यहाँ पर हम अपने गले को सेंटर से स्टिच करके इस तरह स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ नेकलाइन रेडी हो गया है। अब हम यहाँ लेस का यूज़ करेंगे। तो ये हमारी वही शरारे वाली लेस है। इस तरह कॉर्नर अच्छे से बनाते हुए हम यहाँ लेस को पूरा इस तरह लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने लेस को अटैच कर लिया है। अभी हमने एक साइड ही सिलाई लगाई है। दूसरी साइड सिलाई लगाने से पहले हम यहाँ पे पोटली बटन्स अटैच करेंगे और सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ शरारे की मैचिंग के ही कपड़े के हमने ये पोटली बटन्स यहाँ पे टक कर दिए हैं और ब्यूटीफुल सा योक पैटर्न रेडी है। और सिंपली हमने पीछे का गला बनाया है गोल और यहाँ पे हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे इस तरह। इसको यहाँ पे हमने सेंटर में कट लगाया है और इसको अपर बॉडी को हम नीचे वाले घेरे से ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा। पहनने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है। यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो स्लीव्स भी पहले ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मैंने स्लीव्स की लेंथ रखी है 17 इंच और हमने इसको थोड़ा सा अप डाउन का लुक दिया है। तो यहाँ से ये 4.5 इंच के हैं और यहाँ से ये 16 इंच के हैं। इस तरह भी आप स्लीव्स ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।